नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। छत्तीसगढ़ में आज महतारी बंधन की छठवीं किस्त जारी होगी। सीएम साय आज किस्त जारी करेंगे। महतारी बंधन ऐप की भी लॉन्चिंग होगी। ऐप के माध्यम से प्रति महीने भुगतान और भुगतान किए गए बैंक खातों की जानकारी भी होगी। महतारी बंधन योजना के हितग्राही की असामयिक मृत्यु की प्राप्त होगी जानकारी। जगदलपुर के महिला सम्मेलन समारोह में कई घोषणाएं करेंगे। 3000 से भी ज्यादा महिला स्व सहायता समूहों को 100 करोड़ का लोन वितरित भी करेंगे। आज का दिन बहुत अहम है। आज छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन की छठवीं किस्त जारी होगी। सीएम साय आज किस्त जारी करेंगे। महतारी बंधन ऐप की भी आज लॉन्चिंग होगी, जिसमें कि आपको एक ही जगह पर सारी डिटेल्स मिलेंगी कि कब किस्त आने वाली है, आपके अकाउंट में कितने रुपए हैं, सरकार की किन योजनाओं का लाभ आप ले सकते हैं। इस तरह के इंफॉर्मेशन आप एप्लीकेशन में देखेंगे। सभी प्रदेशवासियों को नमस्कार। माताओं बहनों, महतारी बंधन योजना की छठी किस्त आपके बैंक खाते में 1 अगस्त को भेजी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपसे जो वायदा किया था, उसे हम महीने की पहली ही तारीख को पूरा करते रहेंगे। आपका सुख और संतोष हमारे लिए सर्वोपरि है। हम सभी अपनी माँ और धरती माँ का ऋण कभी नहीं चुका सकते, लेकिन हम इसके लिए विनम्र कोशिश जरूर कर सकते हैं। आइए अपनी माँ और धरती माँ का वंदन करें और एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं। जय जोहार। तो महतारी बंधन की छठवीं किस्त आज जारी होगी और आज जिसको लेकर खुद मुख्यमंत्री की तरफ से जानकारी साझा की गई है कि रक्षाबंधन से ठीक पहले महतारी बंधन योजना के तहत जो ये राशि है वो महिलाओं के अकाउंट में समय पर बिल्कुल आज ट्रांसफर कर दी जाएगी। महिला सम्मेलन में आज सीएम शामिल होंगे। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ चुकी हैं। तनु, आज महतारी बंधन योजना की जो छठवीं किस्त है उसको जारी की जाएगी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि महतारी बंधन ऐप लॉन्च की जाएगी, ये क्या है, इसके बारे में क्या जानकारी आप दे सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी बंधन योजना की छठवीं किस्त जो है वो आज जारी कर दी जाएगी और प्रदेश के 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 655 करोड़ रुपए जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही महतारी बंधन योजना को लेकर आज तमाम तरह के कार्यक्रम का भी जो है आयोजन किया गया है। इसके साथ ही इस दौरान सीएम साहब जो है महतारी बंधन योजना के क्रियान्वयन और इसको और भी सुदृढ़ बनाने के लिए महतारी बंधन मोबाइल ऐप का जो है वो लॉन्चिंग करेंगे और इस मोबाइल ऐप के माध्यम से हितग्राहियों के खाते में कितनी राशि गई है इस सभी की जानकारी जो है वो उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ ही अगर कोई किसी हितग्राही की असमय जो है मृत्यु हो जाती है तो इसकी जानकारी और इसकी सूचना भी मोबाइल ऐप के द्वारा जो है मिल जाएगी। इसके अलावा और कुछ और कई तमाम लाभ जो है इस मोबाइल ऐप के द्वारा जो है मिल पाएंगे। इसके साथ ही सीएम साय जो है जगदलपुर में प्रदेश स्तरीय महिला सम्मेलन भी जो में जो है वो शामिल होंगे और लगातार हर माह हितग्राहियों के खाते में जो है 1,000 रुपए जो है वो ट्रांसफर किए जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि 10 मार्च को इस योजना की शुरुआत सीएम साय ने की थी, जिसके बाद से लगातार हर महीने के पहले हफ्ते में महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए जो है वो ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सीएम साय ने आज हितग्राहियों से एक पेड़ माँ के नाम लगाने की भी जो है वो अपील की है। तो इस बार महतारी बंधन योजना को लेकर तैयारियां लगभग जो है वो पूरी कर ली गई है और तमाम तरह के आयोजन भी जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही महतारी बंधन योजना के लिए सबसे बड़ी खास बात यह है कि आज महतारी बंधन मोबाइल ऐप की भी जो है वो लॉन्चिंग की जाएगी। जी बिल्कुल, और आज का दिन बहुत खास है उन महिलाओं के लिए जो इस योजना से जुड़ी हुई हैं और उनके खातों में आज राशियां जो हैं वो ट्रांसफर होने वाली हैं। बहुत शुक्रिया तनु जानकारी साझा करने के लिए। तो वही भोपाल की भी बात करेंगे, जहां लाडली बहनों को आज खुशखबरी मिलेगी। आज मुख्यमंत्री लाडली बहनों को खुशखबरी देने वाले हैं। रक्षाबंधन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव 250 रुपए देंगे और नेग के रूप में आज खाते में ट्रांसफर किया जाएगा 250 रुपया। रक्षाबंधन नेग के बाद 1250 की किस्त भी जारी होगी लाडली बहना योजना के तहत। तो आज महिलाओं की चांदी ही चांदी है और आज भैया की तरफ से जो राशियां हैं वो महिलाओं के अकाउंट में आने वाले हैं। 19 अगस्त को रक्षाबंधन है और उसके पहले ही ये नेग प्रदेश के भैया की तरफ से
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो कि महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे 250 रुपए नेट के तौर पर। इसके अलावा 1250 की किस्त भी जारी होगी रक्षाबंधन के नेट के बाद, जो कि लाडली बहना योजना के तहत है, यानी कि 1250 से हट के 250 रुपए महिलाओं के अकाउंट में रक्षाबंधन के नेक के तौर पर ट्रांसफर किए जाएंगे। कितना महत्वपूर्ण दिन हो सकता है ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज महिलाओं के खाते में राशियां ट्रांसफर होंगी, वो भी नेक की राशि ट्रांसफर होगी, 250 रुपए प्रति महिला ट्रांसफर किए जाएंगे। तो लाडली बहनों को खुशखबरी मिलने वाली है और रक्षाबंधन के पहले ये खास तोहफा बहनों के लिए। शैलेंद्र चौहान संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज महिलाओं के लिए खुशखबरी है, आज महिलाओं के लिए उनके भैया ने एक जो खास गिफ्ट है वो देने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं, 250 रुपए की राशि अकाउंट में। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश की जो लाडली बहना है उनके भैया यानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सभी बहनों को शगुन की राखी के लिए 250 रुपए प्रत्येक लाडली बहना के खाते में डालेंगे। तो आज निश्चित ही रक्षाबंधन की जो बात थी, सीएम ने कहा था कि सभी बहनों को शगुन की राखी के लिए, मिठाई के लिए भाइयों की 250 रुपए दिए जाएंगे। तो आज वो क्लिक से सभी 125 करोड़ जो लाडली बहना मध्य प्रदेश की, उनको 250 रुपए उनके खाते में डालेंगे। तो निश्चित ही आज रक्षाबंधन त्योहार, अब आज से 18 दिन बाद 19 अगस्त को मनना है, तो उसकी तैयारियां शुरू हो गई है और पूरे मध्य प्रदेश में आज शगुन की राखी के रूप में सभी लाडली बहना को पैसे डाले जाएंगे। सीएम आज खुद सतना, जो राम की नगरी रही चित्रकूट, जहां पर राम भगवान कभी गए थे, वही चित्रकूट से आज इसकी शुरुआत हो रही है और वहां पर सीएम सभी बहनों को खाते में पैसे डालेंगे। इसके साथ ही यहां पर एक और बात है कि सावन का महीना भी चल रहा है, तो सावन के झूले भी इस आयोजन में नजर आएंगे। आज लाडली बहनाएं सावन के झूलों में भी झूलती नजर आएगी। खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे, सरकार के प्रमुख मंत्री वहां मौजूद रहेंगे। तो आने वाले 19 अगस्त तक लगातार यह शगुन की राखी का त्योहार मनेगा अलग अलग जिलों में। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूरे 11 जिलों में ये राखी त्योहार के लिए जाएंगे और बहनों के बीच होंगे और सभी जिले, खास करके अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जो आदिवासी जिले हैं वहां पर लाडली बहना बड़ी संख्या में, जिनको इस योजना का लाभ भी मिलता है, तो वहां पर भी सभी बहनों के बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद मौजूद रहेंगे। आज इसकी शुरुआत सतना के चित्रकूट से हो रही है। आज वहां पर सतना के चित्रकूट की महिलाओं के अलावा सिंगरौली जिले की भी महिलाएं बड़ी संख्या में होगी, सभी लाडली बहना होगी और अपने प्यारे भैया के साथ वो रक्षाबंधन त्योहार मनाएगी और उसके बाद ये सिलसिला आने वाले 17 अगस्त तक लगातार चलेगा। हर जिले में रक्षाबंधन के त्योहार मनाए जाएंगे, सीएम 11 जिलों में होंगे। उसके अलावा जो 55 जिले पूरे मध्य प्रदेश के, वहां मध्य प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री अलग अलग जिलों में। लेकिन ये कोई एक तोहफा नहीं है शैलेंद्र, एक तोहफा नहीं है, 250 रुपए महिलाओं के अकाउंट में तो जाएंगे ही, लेकिन उससे हटकर जो सिलेंडर का तोहफा दिया है सरकार ने महिलाओं को, 450 रुपए में सिलेंडर, ये भी रक्षाबंधन के लिहाज से अगर देखा जाए तो उन बहनों के लिए बहुत बड़ा तोहफा। जी बिल्कुल, देखिए सस्ता गैस सिलेंडर केवल 450 रुपए में, ये भी शगुन की राखी के साथ साथ रसोई का भी तोहफा है कि आप खूब पकवान बनाइए घर पर और आपको काफी सस्ते में गैस सिलेंडर सरकार देगी। तो कहीं ना कहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये भी एक बड़ा फैसला लिया और उसको अमल में भी ला दिया गया है। गैस रिफिल के लिए अब केवल महिलाएं जो लाडली बहना, उनको 450 रुपए देना होंगे, बाकी 338 रुपए की जो सब्सिडी है उसका भार सरकार उठाएगी। इसके लिए मंगलवार को जो कैबिनेट हुई थी उसमें 160 करोड़ रुपए का बड़ा बजट सरकार ने पास किया था। तो कहीं ना कहीं त्योहारों की खुशी लाडली बहना के चेहरों पर दिखने लगी है। जब हमने लाडली बहनाओं से बात की तो वो खूब खुश भी नजर आ रही थी कि हमारे प्यारे भैया ने ना केवल राखी के शगुन के लिए, हमें भाइयों की मिठाई के लिए पैसा दिया, बल्कि गैस सिलेंडर सस्ता करके, जो काफी दिनों से बोझ था कि हमें गैस सिलेंडर महंगा है, उसमें
में भी बड़ी राहत दी और अब 450 रुपए में हम ये सिलेंडर लेंगे। इसके साथ ही एक और बड़ी बात, जो 1250 रुपए महीना मिलता है वो भी महिलाओं के खाते में इसी महीने जाएगा, तो निश्चित ही महिलाओं के लिए, बहनों के लिए तो बहुत ही खुशी का माहौल है और खुशियां है बहनों के चेहरे पर। देखिए रक्षाबंधन तो महिलाओं के लिए स्पेशल हो ही जाता है, इतनी सारे गिफ्ट्स भाई से मिलते हैं और जब प्रदेश के मुखिया, प्रदेश का जो भैया है वो अगर इतने सारे तोहफे दे रहा है तो ये वाकई में खुश होने वाली बात है और बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारियां साझा करने के लिए। बिलासपुर में डायरिया और मलेरिया के बाद अब डेंगू का खतरा मंडराने लगा है। जरहा भाटा में डेंगू का एक मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच चुका है। मरीज का अस्पताल में उपचार चल रहा है। डायरिया के 9 और मलेरिया के 5 नए मरीज मिले हैं। कोटा और रतनपुर में डायरिया के केसेस मिले हैं, मलेरिया के मरीज मिले हैं। अब तक मलेरिया के 126 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। मलेरिया से 4 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। बिलासपुर में डायरिया और मलेरिया के बाद अब डेंगू का खतरा मंडरा रहा है। जरहा भाटा में डेंगू का एक मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। तो वहीं मरीज का अस्पताल में अब उपचार भी चल रहा है। डायरिया के 9 और मलेरिया के 5 नए मरीज मिले हैं। उमेश मौर्य संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, आखिर ये क्या चल रहा है? पहले डायरिया, फिर मलेरिया के केसेस आ रहे थे, लेकिन अब डेंगू भी कम नहीं, डेंगू के भी केसेस लगातार आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बिलासपुर में स्वास्थ्य संकट जो है वो गहराता जा रहा है। लगातार यहाँ पर जलजलित बीमारियों के जो मरीज हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। पहले डायरिया के लगभग 800 से अधिक मरीज सामने आए, फिर मलेरिया के लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। कल और आज की बात करें तो 9 मरीज डायरिया के और 5 मलेरिया के सामने आ चुके। इस तरीके से मलेरिया के 126 मरीज हैं। अभी स्वास्थ्य विभाग इन मरीजों का उपचार कर ही रहा था कि डेंगू ने एक बड़ी परेशानी इन स्वास्थ्य विभाग के सामने खड़ा कर दी है। बिलासपुर शहर से जरहाबाटा से एक मरीज की जो पहचान हुई है वो डेंगू पेशेंट के रूप में हुए हैं, जिसका उपचार प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है कि लगातार आखिर जलजलित जो बीमारियां हैं वो निकलकर सामने आ रही, डायरिया मलेरिया और अब तो डेंगू जैसी बीमारी जो है वो शहर में एक पेशेंट मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग जरूर ये दावा कर रहा है कि वो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहा है। जिस तरीके से कोटा और रतनपुर क्षेत्र वाले जो इलाके में डायरिया और मलेरिया के जो लगातार मरीज मिले हैं उनको लेकर वहां कैंप लगा रहा है, दवाएं बांटने का दावा कर रहा है, लेकिन जो मामले हैं वो कम होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। रोजाना 9 से 10 मरीज जो है मलेरिया और डायरिया के निकलकर सामने आ रहे हैं, अब डेंगू के भी मरीज निकलकर सामने आए। ऐसे में देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से अब, चूंकि शहरी इलाके में जो डेंगू का पेशेंट मिला है उसको लेकर क्या एहतियात बरतता है, किस तरीके से वो निर्देश जारी करता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है तमाम स्वास्थ्य अधिकारियों को कि अपने अपने क्षेत्रों में वो सर्वे कराए, मुनादी कराए। इसके साथ ही जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनके द्वारा टू डोर सर्वे कर मरीजों की पहचान करें, ये काम चल ही रहा है। लेकिन डेंगू एक नया समस्या अब स्वास्थ्य विभाग के सामने खड़ा हो गया है। देखना होगा कि किस तरीके से मलेरिया और डायरिया से निपटने वाली जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो डेंगू से कैसे निपटेगी, ये भी अब उनके सामने चुनौती है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए उमेश। तो डेंगू एक समस्या तो है लेकिन समाधान भी साथ साथ ध्यान में रखने होंगे। भोपाल से खबर, जहां स्पेशल डीजी बनाए गए हैं आलोक रंजन, एमपी के स्पेशल डीजी बनाए गए हैं आलोक रंजन। 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं आलोक रंजन। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने आदेश जारी किया है, स्पेशल डीजी संजय झा की जगह पर उन्हें नियुक्त किया गया है। संजय झा के रिटायर होने पर उनका प्रमोशन हुआ है और स्पेशल डीजी बनाए गए हैं आलोक रंजन। पेंड्रा में दंतैल हाथी का उत्पात लगातार जारी है और फसलों को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला भी नहीं थमा है। हाथियों ने धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है। मरवाही के जंगल में हाथियों का दल घूम रहा है। वन विभाग हाथियों पर नजर भी रख रहा है। बारिश की वजह से वन विभाग को परेशानी आ रही है, लेकिन लोगों के बीच भी दहशत का ही माहौल बना हुआ है।
और अब बात बारिश की कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में मलाना नाले में बादल फटने की खबर आई है। मलाना पावर प्रोजेक्ट में तबाही आ चुकी है, डैम फटने की भी सूचना मिली है और कुल्लू के बलादी में स्कूल और घर बह चुके हैं। बादल फटने से आए सैलाब में 7 लोग बहे हैं। हालांकि अमूमन हर साल इसी तरह का नजारा इस मौसम में दिखाई देता है, पर ये प्रकृति है, प्रकृति पर कोई लगाम नहीं लगा सकता। और ये देखिए सर्वनाशकारी तस्वीर, जहां सब कुछ सर्वनाश होता हुआ नजर आ रहा है। केदारनाथ टिहरी में भी बादल फटा है, तबाही मची हुई है। कुल्लू की ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बादल फटने की वजह से डैम पर इसका प्रभाव पड़ा है, तो कई निचली बस्तियों में भी इसका प्रभाव पड़ा है। 7 लोग सैलाब में बह गए हैं। कुल्लू के बलादी में स्कूल और घर बह चुके हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि मलाना पावर प्रोजेक्ट में भी तबाही आई है, डैम फटने की भी सूचना मिली है और मंजर काफी खतरनाक है। ऐसे में जो लोग हिमाचल जा रहे हैं या जिन्होंने सोचा है कि बारिश के इस मौसम में मौसम का लुत्फ उठाएं और हिमाचल चलें, तो ऐसे में सावधान हो जाइए। अभी कहीं पर भी जाने की स्थिति नहीं है, अभी हर जगह तबाही का ही मंजर है। खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं और बादल फटने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। केदारनाथ के भीमबली में बादल फटने से भीषण तबाही मची है। बादल फटने के बाद केदारनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। भीमबली में 200 लोगों के फंसे होने की खबर है। केदारनाथ पैदल मार्ग और भीमबली में 2 पुल बह चुके हैं। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच मार्ग का कुछ हिस्सा भी बह गया है। भारी बारिश के चलते मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और सोनप्रयाग पार्किंग तक नदी का पानी पहुंच चुका है। कुंड को बंद कर दिया गया। इसके साथ ही रामबाड़ा में भी नुकसान की खबर है। प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी फोन पर अधिकारियों से लगातार जानकारी ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई यात्री केदारनाथ मार्ग में फंसे हुए हैं, तो जो यात्री केदारनाथ को जा रहे हैं उनको सुरक्षित जगहों पर रुकने को कहा गया है, क्योंकि सीधे सोनप्रयाग से पार्किंग में गाड़ी लगाकर गौरीकुंड होते हुए जो चढ़ाई है वो चढ़ी जाती है। लेकिन अभी गौरीकुंड के पास ही कई रास्ते ऐसे हैं जो बह गए हैं और ऐसे में जाना खतरनाक है, इसीलिए कुछ लोगों को रोक दिया गया है। जो लोग गौरीकुंड से और ऊपर जा चुके हैं उन्हें भी सुरक्षित स्थानों तक रोक दिया गया है। अभी केदारनाथ में यात्रियों को जाने नहीं दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं से निवेदन किया जा रहा है कि अभी बिल्कुल भी केदारनाथ की तरफ वो ना आए। रामबाड़ा के साथ साथ भीमबली का जो रूट है वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 200 लोग भीमबली के पास पहुंचे हुए हैं। बादल फटने की वजह से इस तरह का नजारा नजर आया। हम लोग साइड में रहते थे, सीपी सिस्टम जो कंपनी के साइड में गधेड़ा फुल चल रहा सिस्टम कंपनी के बराबर कंपनी के बाहर पानी चल रहा बिल्डिंग हम लोग डर के बाहर से पता नहीं लगा हम लोग कैसे निकल के आए हैं। सब कटके उधर से रोड के बराबर पानी चल रहा, रोड के ऊपर आ गया। हाँ पानी पुल भी कट गया, एक पुराना वाला पुल था वो तो कटके निकल गया है, हो सकता है पुल छू रहा पानी। तो वही टिहरी में भी बादल फटने की खबर आई है, जिससे कि भारी तबाही मची हुई है। घनसाली के जखनियाली नौताड़ गदेरे में बादल फटा है और 3 शव बरामद हो चुके हैं। बादल फटने से तबाही ऐसी रही कि घनसाली चिरबिटिया को जोड़ने वाली पुलिया बह गई है। एसडीआरएफ पुलिस और आपदा राहत टीम मौके पर मौजूद है। टिहरी के साथ साथ केदारनाथ में आप देखिए कितनी परेशानी हो रही है। रामबाड़ा जो कि पहले से ही टूट चुका था, जब केदारनाथ में वो त्रासदी आई थी जो आज तक लोग नहीं भूल पाए हैं, उसे किसी तरह ठीक किया गया और एक शॉर्ट रूट बनाया गया केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ने के लिए, वो भी अब बहता हुआ नजर आया। इसके अलावा जो भीमबली है वहां पर 200 लोग फंसे हुए हैं। टिहरी में भी यही मंजर है, बादल फटने की वजह से भारी नुकसान हुआ है। जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे वो फंस गए हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है।
जखनियाली में बादल फटा है घनसाली के, इस तरह कई और इलाके हैं। नौताड़ गदेरे में बादल फटने की खबर सामने आई है। मौसम का मिजाज जो बदला है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक। राजधानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक स्कूल की दीवार बारिश के चलते गिर गई। टूटी दीवार के मलबे से आसपास खड़ी कई कारें क्षतिग्रस्त हो गई। ये तस्वीर आप देखिए, जहां कार के ऊपर मलबा है। दिल्ली की ये तस्वीर दरियागंज इलाके की, जहां एक स्कूल की दीवार बारिश के चलते गिर गई। वहां पर एक कार खड़ी थी। गनीमत यह है कि वह उस कार में कोई नहीं था। टूटी दीवार के मलबे से आसपास खड़ी कई कारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हालांकि ये किसी को नहीं पता था कि यहाँ पर दीवार भी गिर जाएगा। यहाँ पर कार पार्किंग की व्यवस्था अमूमन कई जगहों पर नहीं होती है, जिसके चलते किनारे में कार खड़ी कर दी जाती है। लेकिन बारिश की वजह से देखिए, जो ये दीवार है स्कूल की दीवार, वो कार पर ही गिर गई। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर। छत्तीसगढ़